अच्छा, पिछले लेक्चर ना अपन देखिया सीगा कि लैक्सिकल एनालिसिस की करता है कि कोई भी स्ट्रिंग होवे ना उहदे लैक्सीम बना देंदा, ते मतलब उहनू अलग अलग वर्ड दे विच कन्वर्ट कर देंदा, ते हर लैक्सीम दी टाइप दस देंदा। इहनू आपां टोकनाइजेशन कहिंदे आ, कि उह कहिंदा कि ही इज़ अ सबजैक्ट, वेंट टू इज़ अ वर्ब, एंड स्कूल इज़ एन ऑब्जैक्ट। अच्छा, ये लैक्सिकल एनालिसिस अगर आपां खुद करना होवे एज ए ह्यूमन बीइंग, तो आपां बड़ी सौखा तरीके नाल कर सकते हैं कि वी आर ह्यूमन। आप देखते दस सकते हैं कि आ सब्जेक्ट आ, वर्ब आ, या ऑब्जेक्ट आ। पर कंप्यूटर ये किस तरह कर सकता? कंप्यूटर ने या ऑटोमेटिकली अगर आप प्रोग्रामिंग करनी हो वास्ते, आप कि दस सकते हैं कि इस किसी वर्ड की कैटेगरी की है? क्योंकि कंपाइलर ने प्रोग्राम कंपाइल करना, उन्हें दसना वा कि आ इंटीजर आ, फ्लोट आ, वेरिएबल आ, कॉन्सटेंट आ, तो कि दस सकता? उहदे वास्ते तुसीं ऑटोमेटा पढ़िया होएगा, अगर नहीं पढ़िया तो तुहानूं दुबारा पढ़ना पएगा, देखना पएगा, क्योंकि उहदे कॉन्सेप्ट आपां इहदे विच दुबारा रिवाइज़ करने आ, यूज़ करने आ। तो उहदे वास्ते ऑटोमेटा आपां नूं दो छावां दिंदा, एक हुंदी है रेगुलर एक्सप्रेशन ते एक हुंदा एफ ए। ते आपां देख लैंदे आ कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली फॉर्मूला हुंदा जिहड़ा दसदा कि इस फार्मूले का कई लैंग्वेज बन सकती है। थानू एग्जाम्पल दस दें, जिस तरह कि एक फार्मूला ए बी, अच्छा ये दसदा कि इस फार्मूला वा वो आह लैंग्वेज बना। यानी अगर कोई वर्ड आएगा ना, आह वर्ड आ या आह वर्ड आ, आप कह सकते हैं कि आह जो वर्ड है वो इस लैंग्वेज में बिलोंग करता। सिमिलरली आह एक फार्मूला हैगा, अगर अपने प्रोग्राम से कोई इदा कोई वर्ड आता, आप कह सकते हैं कि यार वर्ड हैगा इन्हें कोई भी वर्ड वो इस लैंग्वेज में बिलोंग करता है। सिमिलरली आ फॉर्मूला हैगा फॉर ऑल द लैंग्वेज विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल वर्ड्स फ्रॉम ए एंड बी। यानी ए एंड बी तो जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो उसके वास्ते आ रेगुलर एक्सप्रेशन हैगी है। आह रेगुलर एक्सप्रेशन ये दसदी हैगी है कि वो सारे वर्ड्स ए और बी तो बनने वाले जेडे कि ए तो शुरू होंगे है वो इस लैंग्वेज के वर्ड्स है। आह रेगुलर एक्सप्रेशन वो दसदी हैगी है कि सारे वर्ड जेडे ए तो शुरू होंगे है लेकिन बी तो एंड होंगे। तो जनाब ये बाकी जी डिटेल आते वास्ते थानू ना ऑटोमेटा दोबारा पढ़ना पैना। आप बस थोड़ी जी एक एग्जाम्पल देख लेंगे। देखो सपोज थोड़े को एक स्ट्रिंग है, गुल्लू बट ने अज गड्डियां तोड़ियां। तुसी इहदी टोकनाइजेशन करनी है, मतलब कि तुसी इहदे दसना कि किहड़ा वर्ड केस किहड़े वर्ड की टाइप की हैगी है। मैं जस एग्जाम्पल के तौर पर एक रेगुलर एक्सप्रैशन बनाई हैगी आह, मैं कहता कि जी आह रेगुलर एक्सप्रैशन आ ये बेसिकली शो करती है कास्ट नूं कि इन्ना बट बनता या जट बनता। तो आह एक रेगुलर एक्सप्रैशन बनाई है अज ते अब वाली, लिखा गया ये शो करती है टाइम नूं। अच्छा, आपां हुण देखना ये सारे वर्ड्स देखने कि गुल्लू वर्ड है वो ये इन्हों विचों किसी भी नहीं आता, जो बट है वो इस एक्सप्रैशन आता। तो आप कह सकते हैं कि बट इतने आह एक्सप्रैशन क्या कि एक्सप्रैशन कास्ट की है, आप कह सकते हैं कि बट एक कास्ट आ, जो कह लें कि इंटीरियर आ, फ्लोट आ। सिमिलरली जो अज वर्ड हैगा वो इस रेगुलर एक्सप्रैशन सही हों, मतलब फिट आता, तो वह कह सकते हैं कि टाइम स्टैप हैगी। तो सिमिलरली आप वर्ड्स वास्ते कुछ रेगुलर एक्सप्रैशन बना सकते हैं, तो सेंटेंस में जो फीड इन करा तो वह वर्ड बाय वर्ड अपन पता लग सकता वो कि वर्ड कि लैंग्वेज में बिलोंग करता तो वो टाइप की हैगी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कोर्स रिलेटेड। सपोज अगर तुम एक रेगुलर एक्सप्रैशन बनानी आ जी कि लैटर शो करती हो ये बन सकती है। तुम्हें पता कि प्लस साइन का मतलब होंगे कि और के ए छोटे ए तो लैके व छोटे जी तक, तो वे ए तो लैके वे जी तक कोई भी लैटर आप चूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने आप इस तरह भी लिख सकते हैं और साइन के। सिमिलर डिजिट की रेगुलर एक्सप्रैशन हैगी है। तो थानू पता कि जो हर लैंगुएज में ना आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं, जिदा एक्स वाई आ, उन्होंने आइडेंटिफायर भी कहते हैं। वास्ते अगर आप रेगुलर एक्सप्रैशन बनानी हो पहले आप रूल बनाने की रूल होएगा। नॉर्मली ये रूल हों कि जो वेरिएबल हों हमेशा लैटर तो स्टार्ट हों, तो मगरों वो लैटर या डिजिट किन्ने भी आ सकते हैं। तो वो की बनेगी, शुरू लैटर आएगा मगरों लैटर या डिजिट। अच्छा, ये हाले आप एक लिखा हुआ आप ला दें स्टार, वो मतलब होया कि आइडेंटिफाई लैटर तो स्टार्ट होएगा, उस तो बाद
ਜਿੰਨੇ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਆਟੋਮੈਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊਗੀ ਜਨਾਬ।